श्री जहां भी रिपोर्ट करें, अभी श्री सिंह मैं डॉक्टर दीपांकर चक्रवर्ती, सेक्रेटरी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन और इस टूर्नामेंट का आयोजन सचिव हूं। यह राजस्थान स्टेट जूनियर्स का ओपन टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें कि सिंगल्स डबल्स बालक और बालिकाओं के साथ में अंतर जिला इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता भी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। ये लगातार हम पिछले साल भी हमने ये टूर्नामेंट आयोजित किया था और इस वर्ष भी हम ये टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में राजस्थान के विभिन्न ज़िलों से टेनिस खिलाड़ी आए हैं, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, करीब करीब सभी ज़िलों से यहाँ पर टेनिस खिलाड़ी आए हैं और ये बड़ा सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा है और मैं सब खिलाड़ियों को शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम भरत सिंह चौहान है, मैं मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर से टीम लेके आया हूँ और यहाँ बहुत शानदार आयोजन हो रहा है राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का। ग्रास कोर्ट राजस्थान में क्या इंडिया में भी कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छे मेंटेन है फील्ड क्लब के ग्रास कोर्ट। और यहाँ के जो क्लब के सेक्रेटरी है टेनिस के और एसोसिएशन के सेक्रेटरी दीपांकर जी है, डॉक्टर दीपांकर, उन्होंने बहुत अच्छे व्यवस्था की है, एकोमोडेशन की और हर तरह की सुविधा दी है प्लेयर को और सभी प्लेयर यहाँ पे बहुत खुश है और बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, अच्छे कंपटीशन हो रहे हैं। हाँ, मैं जितेंद्र कुमार व्यास बीकानेर से सादुल क्लब के अंदर टेनिस कोच हूँ यहाँ पे, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान के अंदर उदयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे 6 कोर्ट्स आज भी ग्रास कोर्ट हैं, बाकी राजस्थान में तो अपने को मिलते नहीं। अरेंजमेंट वगैरह है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे और हम चाहते हैं कि हर साल सर यहाँ रेगुलर टूर्नामेंट कराएँ तो अच्छा है, ग्रास कोर्ट में खेलने का अनुभव तो रहेगा बच्चों को। थैंक यू। मैं सुमित गुप्ता जयपुर से, हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट और जयपुर की टीम लेके आए हैं यहाँ पर। 10 से 12 बच्चे मेरे साथ आए हैं और पूरे राजस्थान से करीबन 150 से 200 बच्चे आए हैं। बहुत ही शानदार आयोजन दीपांकर चतुर्वेदी जी ने किया, उसका हमारे राजस्थान टेनिस संघ की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।